और आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इस मामले में दोनों ही जजों की राय अलग अलग रही, ऐसे में इस मामले पर अब CJI ही फैसला करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक से उपजा हिजाब विवाद इस उम्मीद के साथ सुप्रीम दरबार पहुंचा था कि इसमें उचित न्याय किया जाएगा, पर न्याय की चौखट पर फैसला दो फाड़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पैनल में ही मामला उलझ कर रह गया। बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हिजाब पर बैन सही है या गलत, अब इस पर फैसला CJI UU ललित करेंगे। वहीं देश भर में चल रहे हिजाब विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा सुनिए। जिन पुरुषों का महिलाओं को देख के मन मचल जाता है, उन्होंने ही औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया है। गलती तो पुरुष की है, पुरुष को अपना मन मजबूत रखना चाहिए, लेकिन अपना मन मजबूत न रख कर औरत को सिर से लेके पांव तक ढक दिया। तो मेरा तो यही कहना है कि आदमियों को, पुरुषों को अपने मन को मजबूत करना चाहिए। हिजाब विवाद जनवरी के शुरुआत में कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था, जिसके बाद दूसरे शहरों में भी धीरे धीरे इस विवाद में सियासी रंग चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आदमपुर के रण में इनेलो ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस छोड़कर इनेलो में शामिल हुए कुरड़ा राम को उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में अब सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनावी जंग और भी रोचक हो गई है। रिपोर्ट देखिए। आदमपुर उपचुनाव का रण हर दिन रोचक होता जा रहा है। बड़े बड़े सियासतदानों की नजर इस चुनाव पर है। ऐसे में हर पार्टी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी को उतार कर जीत का दावा कर रहे हैं। इस कड़ी कांग्रेस का दामन छोड़ इनेलो में शामिल हुए कुरड़ा राम को घंटे भर के भीतर इनेलो ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसकी जानकारी इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम अपनी पार्टी की तरफ से जहां आज इनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं, वहीं कल इनका नॉमिनेशन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 11 बजे आपके मिनी सेक्रेटरी में नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए आएंगे। हम अपनी पार्टी की तरफ से। वहीं कांग्रेस की तरफ से उतारे गए उम्मीदवार पर तंज कसते हुए अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को BJP का एजेंट तक कह डाला, तो वहीं इनेलो की तरफ से उतारे गए प्रत्याशी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जिस पार्टी के पास अपना प्रत्याशी ही नहीं, उस पार्टी से क्या उम्मीद रखी जाए। हम पूछेंगे कि कांग्रेस के पास कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं था जिसको टिकट दिया जा सकता, बाहर से किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी की कैसे मदद हो, इसके लिए हुड्डा ने जयप्रकाश को टिकट दिया है। अब देखिए, जिस पार्टी के पास अपना उम्मीदवार ही नहीं है, उस पार्टी से क्या उम्मीद है। इसी कड़ी में इनेलो की तरफ से प्रत्याशी घोषित होने के बाद कुरड़ा राम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए उसे भी BJP जैसी पार्टी करार दिया। जो ये भजनलाल के नाम से, जो ये भजनलाल जब थे, मेरा नीति उसकी नीतियों से कभी भी मैं सहमत नहीं था, इस करके दूसरे थे। लेकिन हो सकता है मेरे एरिए का विकास ना किया, आदमपुर के उस साइड का विकास था। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई उसी के नाम से बार बार जीतता था। उसकी जीत का कारण होता था कांग्रेस पार्टी भी आज BJP की तरह मल्टीनेशनल
व्यक्तियों ने की, क्योंकि उद्योगपतियों से इसका नाता रह गया, जनता से इसका कोई सरोकार नहीं। आम आदमी, मजदूर, किसान, आदमपुर के अखाड़े में सभी पार्टियों के दिग्गज उतर चुके हैं। गठबंधन की तरफ से भव्य बिश्नोई, कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश, इनेलो की तरफ से कुलडाराम। ऐसे में हर पार्टी की साख यहां दांव पर लगी है। अब 3 नवंबर को दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 6 नवंबर को नतीजों से साफ होगा कि किसे जनता ने आदमपुर का किंग बनाया। हिसार से संदीप सैनी, सूर्य समाचार। और खबर अब यमुनानगर से है, जहां बिलासपुर में आयोजित होने वाले कपाल मोचन मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। 3 सरोवरों में साफ सफाई का काम जोरों पर है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बार करीब 10 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचेंगे। भारत में सबसे प्रसिद्ध मेलों में से एक बिलासपुर में आयोजित होने वाले मेले कपाल मोचन की तारीख नजदीक आ गई है। 4 नवंबर से शुरू होने वाला ये मेला 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा, जिसे लेकर अभी से तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। यमुनानगर का कपाल मोचन तीर्थ स्थल, जहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, इस साल भी 4 नवंबर से यहाँ पर मेला लगेगा। और यहाँ पर जो है हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने पहुँचते हैं। कपाल मोचन में 3 जो है सरोवर हैं, ऋण मोचन, कपाल मोचन और सूर्यकुंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय जो है साफ सफाई, पुताई और जो है रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस बार जो है मेले को स्पेशल बनाने के लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियाँ कर दी हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस मेले में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसे लेकर प्रशासन की मुस्तैदी अब दिखने लगी है। इस बार कपाल मोचन मेला 2022 का आयोजन 4 से 8 नवंबर 2022 को किया जा रहा है। माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन अनुसार हमने 3 सरोवरों में और 3 सरोवरों के आसपास सफाई का कार्य आरम्भ कर दिया है। सफाई, रंग रोगन और रिपेयर का कार्य 15 अक्टूबर तक हमने पूरा करने का निर्णय लिया है और उसी अनुसार समय सीमा के अंदर ही हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और समय सीमा के अंदर ही हम तैयारियों को पूरा करने का हमने निश्चय किया है। आपको बता दें कि कपाल मोचन हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। इस स्थान का जिक्र महाभारत और पुराणों में भी कई जगहों पर होता है। कपाल मोचन को 3 पौराणिक संसारों में प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे जो सतयुग के समय का तीर्थ है, ये शिव जी महाराज भी आए हैं। उसके बाद जब द्वापर आया, द्वापर कृष्ण मुरार, जब द्वापर में कृष्ण मुरार इस धरती पे है, जरासंध भी है, यहाँ से इसका किला है। और माता कुंती ने जब राधा नागरी देवताओं की 6 देवताओं पर रखते हुए भी जिस तरह चाहे वो पुत्र प्राप्ति कर सकती है, उसके मन में जब शंका हुई कभी ना होए तो यहीं से हम करते हैं। यहाँ उसने कुछ आराधना की, यहाँ कुंड था, स्नान करके, स्नान करने के बाद जब सूर्यादेव की आराधना की तो कर्ण यहाँ पे पैदा हुआ। यहाँ पूजा पाठ करने वाले पुजारी बताते हैं कि सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जब पांवटा साहिब के भंगानी से युद्ध लड़कर लौट रहे थे तो इसी स्थान पर करीब 2 महीने तक रुके थे। कपाल शस्त्र द्वय गुरु गोविंद सिंह ने कपाल मोचन में, जहाँ पे सुहास महाराज जी सेवा करते हैं, ऋण मोचन में है मदन मोहन सेवा करते हैं, और जो शिव मंदिर है वहाँ बीजा जी महाराज सेवा करते हैं, जो दूसरे स्थानों में इत्यादि। कपाल मोचन की प्रसिद्धि का ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ न सिर्फ भारत के बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से मेले में उतनी रौनक नहीं थी, लेकिन इस बार मेला प्रशासन को बड़ी उम्मीदें हैं। यमुनानगर से सुनील कुमार, सूर्य समाचार।